नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। 6 ग्लोबल मार्केट्स के ट्रिगर हैं, 3 बड़े ट्रिगर्स हैं जो कमोडिटी लिंक्ड हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों भारतीय बाजार के साथ, जहां पे आपने आज एक फ्रेश लाइफ हाई लगते हुए देखा है। इनफैक्ट डेली बेसिस पे हम एक लाइफ हाई देख रहे हैं, लेकिन आज एक साइकोलॉजिकल लेवल था 26,000 जो निफ्टी ने टच किया और टच करते ही गिर गया। सेंसेक्स ने साइकोलॉजिकल लेवल 85,000 को इजिली टच किया, ट्रेड किया और ऊपर भी रहा। एट द एंड देखें आप तो 85,000 के नीचे आ गए हम। एट द एंड 85,000 के नीचे सेंसेक्स भी आता हुआ दिखा हमें क्लोजिंग बेसिस पे। अब आता हूं मैं ग्लोबल लेवल पे। तो सबसे पहले यूएस मार्केट की बात करते हैं कि यूएस मार्केट कैसा दिख रहा है, फिर ग्लोबल मार्केट्स को कवर करेंगे, फिर FIDIs के डेटा को, देन निफ्टी के लेवल्स को कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करने की। गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत दे रहा है वो बात करूंगा, एंड बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है तो इसको भी स्पेशल रूप से थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, वीकली नहीं है। देन कमोडिटी लिंक की बात करें तो क्रूड, सिल्वर, गोल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया भाई साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, और कुछ स्टॉक्स भी हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यूएस मार्केट से शुरुआत करते हैं दोस्तों। डाओ बिल्कुल फ्लैट है, कुछ करने के मूड में नहीं है। इनफैक्ट आप अगर नोटिस करें तो मतलब जंग छिड़ रही है दोस्तों, नेगेटिव न्यूज दबा के आ रही है, बट मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है, हमले कंटिन्यू चल रहे हैं। इनफैक्ट यूएस से भी कुछ अपडेट्स आई थी कि यूएस एडिशनल ट्रूप्स भेज रहा है सेफ्टी मेजर्स के लिए, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो रही हैं सामने खड़ी, लेकिन मार्केट अभी रिएक्ट नहीं कर रहा है। ट्रस्ट मी, मार्केट में कोई भी फॉल आया तो आपको सिर्फ ये जंग की खबरें और इधर और उधर ये सारी खबरें एक साथ देखने को मिलेंगी। मैं मार्केट में क्लियर कट बोलूंगा, सावधानी रखिए बस। नैस्डेक इंडेक्स 0.5% ऊपर है तो वो अच्छा दिख रहा है। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, रसल 2000 बिल्कुल फ्लैट है, और विक्स 0.5% नीचे है, 0.25% है इनफैक्ट, तो कुछ खास संकेत नहीं है। ग्लोबल लेवल पे आता हूँ, यूरोप की बात करें तो फिटसी 1.5% ऊपर है, डेक्स में 0.5% की तेजी है, कैक 0.25% ऊपर है, तो यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। एशिया पैसिफिक देखें तो निफ्टी अपना फ्लैट बंद हो गया, निकाई में जापान में 0.5% की तेजी थी, शंघाई तो बहुत रॉकेट की रफ्तार से भागा स्टिमुलस वगैरह की खबर के चलते, चाइना में लगभग आपके लिए 4% रैली कर गया, हैंगसेंग भी लगभग 4% रैली कर गया, एंड ताइवान 0.5% ऊपर था। कॉस्पी की बात करें तो ये भी 1% ऊपर था, तो एशिया पैसिफिक बहुत ही दमदार एक्शन था। अब आ जाता हूं दोस्तों FIDIs के डेटा पे, FIDIs का डेटा कैसा है चलिए चेक करते हैं एक बार। FIIs आज बेचकर गए हैं, 2784 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग करी है, तो DIIs ने दबा के खरीदा है, 3868 करोड़ का DIIs ने खरीदा है। अब अगर मैं यहाँ पे न्यूज पढ़ूं तो इजरायली मिलिट्री सेज इट इज करंटली कंडक्टिंग एक्सटेंसिव स्ट्राइक्स ऑन हिजबुल्ला टारगेट इन लेबनान। ये खबरें रुक नहीं रही हैं, ये बहुत बढ़ रही हैं आगे, बट अभी तक रिएक्शन नहीं दे रहा है बाजार। मैं डेली बेस पे पढ़ता हूँ बट मैं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इस समय वीडियो बनाने का, जब रिएक्शन आएगा तो हम भी बोलेंगे, सिंपल है और कुछ भी नहीं है, बट आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। आगे निफ्टी की बात करें, उससे पहले बैंक निफ्टी, क्योंकि एक्सपायरी है इनकी। बैंक निफ्टी में दोस्तों एक लेवल ही दूंगा केवल, बैंक निफ्टी में सब पॉजिटिव है, निफ्टी में सब पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत ही आ रहे हैं, लेकिन हमें एक लेवल तो चाहिए, क्योंकि आज भी क्या हुआ, ऊपर से अचानक से करेक्शन हो गई, कल एक्सपायरी है, या तो जीरो हो जाएगा पैसा या बड़ा बनेगा, ठीक है, तो जीरो ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, 53,700 का एक स्ट्रिक्ट SL प्लेस कर लीजिए, उसके नीचे आप छोड़ देना, बेचना नहीं है, शॉर्ट नहीं करना है, छोड़ देना अपनी पोजिशन को, छोड़ देना, ठीक है भाई, गलती हो गई, लॉस हो गया, खत्म खेल। अदरवाइज बैंक निफ्टी ने अगर मूव दिया कल तो ये 54,200-350 तक भी जा सकता है, यानी कि करीब करीब 400-450 पॉइंट के मूव बन सकते हैं, और अदरवाइज 200 पॉइंट नीचे में छोड़ देंगे, ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो आपके लिए 26,000 का परसों इसकी एक्सपायरी है, तो ये भी ऊपर के मूव दे सकता है, क्योंकि नीचे में कॉल राइटर ट्रैप है, नीचे बाजार जाने की संभावना है बहुत कम है मंथली एक्सपायरी तक स्पेशली, और अगर नीचे बाजार गया तो मतलब पैसा किसका बनेगा फिर, अगर नीचे चला गया तो सब पैसा बना जाएंगे और फिर वो फंसेगा ही नहीं कोई, तो फिर क्या फायदा। इस समय कोई पुट को तो खरीद नहीं रहा है, कॉल को राइट करके बैठे हुए हैं और कॉल बायर बैठे हैं इस समय, तो जो बायर होता है वो छोटा अमाउंट लूज करता है, जो सेलर होता है वो छोटा अमाउंट कमाता है लेकिन लूज करता है बड़ा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर की ही एक्सपायरी देना चाहिए, 26,000, 26,050 या 26,200,
जब तक 25,800 के ऊपर हो आप टेंशन फ्री रहो, 25,800 के नीचे ही कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी है, अदरवाइज आप लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करो। गिफ्ट निफ्टी संकेत कुछ नहीं दे रहा, 40 पॉइंट नीचे जरूर है लेकिन 25,940 पे ये जहां हमारी क्लोजिंग आई है, तो यहां से कोई संकेत नहीं है। अब इंटरेस्टिंग चीजें सुनो, कच्चे तेल में बड़ी तूफानी तेजी आ रही है, 6,000 का लेवल अचीव कर दिया है भारत में और 1.5% से ज्यादा की रैली है, तो कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स कल एक्शन में आ सकते हैं। OIL, ONGC, Reliance, ये सारे स्टॉक्स आप रडार पे रखिएगा। नेगेटिव साइड पे भी नेगेटिव जो स्टॉक्स जो खरीदते हैं ना कंपनियां, उनके लिए नेगेटिव भी है कच्चे तेल का बढ़ना। पेंट हो सकता है वो आपके लिए, पेंट कंपनियां, टायर कंपनियां, OMC कंपनीज, इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव होगा। भाई साहब सोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो हर घर में सोना है तो सबको मुबारक हो। 75,000 का भाव आता हुआ दिख रहा है, 74,800 हो गया है सोने का दाम, मुबारक हो भाई साहब। ये तो कुछ भी नहीं है, सिल्वर हो गया 91,600, यहां रैली बन रही है 2.3% की, 2,500 पॉइंट तो आज ही भाग रहा है भाई साहब। तो सिल्वर तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, करीब करीब बहुत ही तूफानी तेजी में है। और स्टॉक्स की बात करें तो ईस्ट माई ट्रिप, कल इसमें एक सेलिंग होने वाली है ब्लॉक डील के जरिए, प्रमोटर निशांत पिट्टी जी बेचेंगे, 550 करोड़ के समथिंग का ये सौदा होगा। बाकी अब आपके लिए थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज है, कम आएंगी फंड रेजिंग, स्प्लिट बोनस, इस तरीके की न्यूज आएंगी, बाकी नहीं आएंगी क्योंकि आपके लिए रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।